सो चलिए इसको पहले अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर क्या है पता करते हैं। ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ। ये कुछ ज़्यादा अच्छा पैकिंग में नहीं आया है, बस एक पेपर रैप होके आया हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ देखिए अमेजन से ऑर्डर किया था, इसलिए amazon.in लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेट मी क्विकली गो थ्रू दिस। सो ये है हमारा मेमोरी कार्ड। यहाँ पे देखिए ये प्राइस लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्राइस लिखा है 1150 रुपीज़। और ये है वो ईवो प्लस मेमोरी कार्ड सैमसंग की तरफ से। ये सैमसंग मेमोरी कार्ड, ये जो है मेमोरी कार्ड, ये इसका अडाप्टर है। 128 GB है, इसमें 130 Mbps के हिसाब से डाटा ट्रांसफर होता है। इसका रिव्यू अच्छा था। आप 128 GB का आप दूसरा मेमोरी कार्ड जैसे कि सैंडिस्क का हो, आपको मिल जाएगा कुछ 950 रुपीज़ में। बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट बिकॉज वो उसका जो है डेटा ट्रांसफ़र थोड़ा स्लो है। मे बी वो 120 Mbps/s है। लेकिन एक बात जो है जो मैं नोटिस किया, मैंने पहले एक ऑर्डर किया था वो वाला, एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वो जल्दी करप्ट हो जाता है। आपको उसको लाओगे भी यूज करोगे, पता नहीं क्यों, मे बी कुछ रीसेलर जो है शायद कुछ मिसमैच कर रहे हैं, शायद कुछ दूसरा प्रोडक्ट दे रहे हैं, मे बी चीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं। मैंने दो मेमोरी कार्ड ऑर्डर किया था, दोनों के दोनों करप्ट हो गए। लेकिन ये वाला जो है मैंने वो रिकमेंडेड बाय माय फ्रेंड्स, उन्होंने यूज कर रहे हैं। मैं बेसिकली इसको मैं कैमरा में यूज़ करने वाला हूँ, मेरा GoPro में यूज़ करने वाला हूँ। सो मैंने इसको ऑर्डर किया है। इसका जो रिव्यू है बहुत अच्छा था। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों से ये रिव्यू लिया कि ये वाला ही सबसे अच्छा पड़ता है। इसमें 256 GB या फिर 1 TB तक आप यूज़ कर सकते हो सैमसंग ईवो का, ये नया मॉडल है। और अगर आपको ख़रीदना ही है तो डोंट वरी फॉर द 200 बॉक्स। आप 950 देके वो ख़रीदेंगे, वो सैंडिस्क का ख़रीदेंगे, उससे अच्छा है कि आप 200 ज़्यादा खर्चा करके ये 128 GB का ख़रीदें। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें ये ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा है और ये मेमोरी जल्दी करप्ट नहीं होता है। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, मुझे थोड़ा इनक्रेज करें कि मैं, ताकि मैं कुछ ऐसे ही वीडियोज़ भी फ्यूचर में बना सकूँ। सो सी यू सून विथ अनदर अनबॉक्सिंग। तब तक के लिए गुड डे।